नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक अंग्रिश में। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बेहद जरूरी जानकारी दे दूं। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है, www.advocatedeepakangrish.com। दोस्तों, इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको जितनी भी लीगल क्वेरीज है या फिर आप कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब आपकी कोई भी कानूनी समस्या हो उसका समाधान अब आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, मैंने फिलहाल 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्राइम होने के बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करने तक इस बीच का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। मैंने वो इस वीडियो के अंदर बड़ी ही विस्तार से और सरल भाषा में समझाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है चार्जशीट फाइल होने के बाद कि क्रिमिनल कोर्ट के ट्रायल में होता क्या है। यानी कि जब एक केस ट्रायल चलती है क्रिमिनल, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं जजमेंट तक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल होने के बाद जब एक क्रिमिनल केस ट्रायल चलती है तो उसके अंदर कौन कौन से तरह तरह के स्टेप आते हैं जब तक जजमेंट सामने नहीं आ जाती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले यहां पर पुलिस द्वारा कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, चार्जशीट फाइल करने के बाद सबसे पहले जो यहां पर क्रिमिनल है, जिसने वो क्राइम किया है, उसे यहां पर समन देकर कोर्ट में बुलवाकर उस चार्जशीट की कॉपी दे दी जाती है। इसके बाद बेसिकली दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जो यहां एडवोकेट होते हैं वो वहां पर 207 CRPC सेक्शन के तहत कोर्ट से वो चार्जशीट की कॉपी ले लेते हैं। इसके बाद बेसिकली क्या करते हैं, वहां पर वो यहां पर जो चार्जशीट के अंदर चार्ज लगाए गए हैं, यानी कि जो उस बंदे के खिलाफ यहां पर धाराएं लगाई गई हैं, उनमें फेरबदल करवाते हैं, या फिर कोई बात अगर वहां पर गलत लिखी गई है तो उसे वहां पर सही बताकर उस चीज को लिखवाते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब यहां पर इस चीज के ऊपर बहस हो तो वहां पर वो चीज आरोपी के खिलाफ ना साबित हो जाए। अब बेसिकली दोस्तों, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है चार्ज फ्रेम होने का। चार्ज फ्रेम का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहां पर आरोपी के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, यानी कि धाराएं लगाई जाती है। कोर्ट यहां पर यह चीज देखती है कि यहां पर जो आरोपी ने यहां पर क्राइम किया है उसके तहत कौन कौन सी धाराएं उस व्यक्ति पर लगनी है और उन धाराओं के तहत कितनी सजा या फिर जुर्माना उस व्यक्ति को यहां पर लगने वाला है। अब यहां पर ज्यादातर ये चीज होती है कि यहां पर हो सकता है धाराओं में कुछ फेरबदल कर दिया जाता है। अगर यहां पर धाराएं लगना तय है, यानी कि उस व्यक्ति ने क्राइम किया और उस पर चार्ज लगना तय है, पर यहां पर कुछ व्यक्ति की जो बातें हैं वो झूठी साबित सामने होकर आई है, तो यहां पर कुछ बातें फेरबदल करके उस व्यक्ति पर धाराएं तो लगाई जाती है किंतु वो कुछ चेंज करके लगा दी जाती है, किंतु यहां पर उस व्यक्ति पर चार्जेस जरूर लगते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज होती है, एक बार उस व्यक्ति पर चार्जेस लगा दिए गए, मान लेते हैं अगर यहां पर किसी व्यक्ति ने यहां पर मर्डर कर दिया गया तो यहां पर उसके ऊपर बेसिकली यहां पर 302 सेक्शन लगा दिया गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर जो कोर्ट होता है वो उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या यहां पर उस पर जो यहां पर आरोप लगाए गए हैं क्या वो उन्हें यहां पर एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो जो धाराएं उन पर लगाई गई है, जो जो यहां पर उसके खिलाफ बातें कही गई हैं, क्या उसे वो सारी चीजें एक्सेप्ट हैं। अगर यहां पर वो व्यक्ति, यानी कि जिसने वो क्राइम किया, वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है तो केस को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद उसे यहीं पर सजा सुनाकर क्रिमिनल केस ट्रायल को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। किंतु दोस्तों ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता, क्रिमिनल यहां पर जिसने यहां पर क्राइम किया है वो यहां पर इन चीजों को साफ साफ नकार देता है कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता और उसके बाद यहां से क्रिमिनल केस ट्रायल जो है बेसिकली मेन प्रोसीजर जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है।
अब दोस्तों चार्ज फ्रेम होने के बाद सबसे पहला जो सवाल आता है यहाँ पर, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है गवाही का, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इसके अंदर यहाँ पर चार सीट के अंदर जिन जिन गवाहों के नाम लिखे गए थे उन्हें यहाँ पर गवाही के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले विक्टिम की गवाही होती है, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई चश्मदीद गवाह है जिसका नाम चार्जशीट के अंदर लिखा गया है तो उनकी यहाँ पर गवाही होती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस या फिर कोई डॉक्टर है जो इस केस से रिलेटेड है उनकी यहाँ पर गवाही ली जाती है। और इसके बाद अगर यहाँ पर कोई फोरेंसिक लैब वाले हैं या फिर केस में आखिर में जो यानी कि इस ट्रायल में गवाही में आखिर में जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसकी भी गवाही यहाँ पर बहुत मायने रखती है। अब यहां पर एक तरह से देखा जाए पीड़ित पक्ष की तरफ से यहां पर गवाही देने के लिए सभी आ गए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई। तो यहां पर जो क्रिमिनल की तरफ से यहां पर जो एडवोकेट होता है उसका काम होता है यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना, यानी कि यहां पर जो जो व्यक्ति गवाही के लिए बुलाया जा रहा है उनके साथ यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि जो जो चीज यहां पर वो कोर्ट के सामने आकर एक्सेप्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं उन्हीं से उन्हीं चीजों में से सवाल जवाब किए जाते हैं, ताकि अगर यहां पर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका सच यहां पर जज के सामने आ जाए। अब कई बार ये स्टेजेस भी होते हैं यहां पर जो यहां पर गवाह की तरफ से यानी कि विक्टिम की तरफ से जो जो गवाह आते हैं वो यहां पर कोर्ट में आकर अपनी गवाही से मुकर जाते हैं, यानी कि कुछ और बोल देते हैं। उस कंडीशन में यहां पर जो सरकारी वकील होता है जो पीड़िता की तरफ से होता है वो यहां पर उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, ताकि उससे ये चीज पता लग सके कि आखिरकार वो यहां पर गवाही में आकर कुछ और झूठ क्यों बोल रहा है, इससे पहले वो कुछ और क्यों बोल रहा था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 164 सीआरपीसी के तहत अगर यहाँ पर किसी महिला के कोई महिला यहाँ पर पीड़ित पक्ष है और उसकी यहाँ पर किसी महिला जज के सामने ही गवाही ली गई थी, तो इन केस यहाँ पर हो सकता है कि 164 सीआरपीसी के तहत उस महिला जज को भी यहाँ पर गवाही के लिए बुला लिया जाए। किंतु अगर यहाँ पर वो महिला ये चीज़ स्वीकार कर लेती है कि यहाँ पर उसने गवाही में जो जो बातें कही थी वो सच है, तो यहाँ पर उस महिला जज को बुलाना ड्रॉप भी कर दिया जाता है। किंतु अगर वहां पर वो ये चीज कहती है महिला जो पीड़ित है कि वहां पर उसने जो गवाही में बातें कही थी वो बदल कर लिखी गई है या फिर वो सभी झूठी है, तो उस कंडीशन में जो वो महिला जज थी जिसके सामने वो गवाही ली गई थी तो उसे भी यहां पर कोर्ट के अंदर गवाही के तौर पर बुला लिया जाता है। दोस्तों अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, एक बार अगर यहाँ पर गवाही ले ली गई उसके बाद यहाँ पर बात आती है यहाँ पर जो आरोपी है उसे बरी करने की। वो कैसे होता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर गवाही होने के बाद जज को ये चीज़ लगती है कि यहाँ पर शिकायतकर्ता या फिर कोई और आरोपी जो यहाँ पर आरोप लगा रहा है उस व्यक्ति पर वो आरोप लगाए गए जो हैं वो झूठे हैं, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि जितने भी यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं वो यहाँ पर बेवजह उस व्यक्ति को फंसाने के लिए लगाए गए हैं, तो उस स्थिति में कोर्ट क्या करती है यहां पर उस व्यक्ति को बरी कर देती है। यहां पर कई बार यह भी चीज होती है कि यहां पर जो सरकारी गवाह होता है अगर वो यहां पर जिस व्यक्ति के खिलाफ केस किया गया है उसके यहां पर पक्ष में ही गवाही दे देता है, तो उस स्थिति में भी दोस्तों यहां पर यह होता है कि कोर्ट को यहां पर यह चीज लगती है कि यहां पर इस चीज को आगे बढ़ाना बेकार है, इससे केवल कोर्ट का समय ही नष्ट होगा, तो उस स्थिति में कोर्ट यहां पर ही इसी स्टेज में जजमेंट देकर जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं उसे यहां पर बाइज्जत बरी करके उस केस को यहीं पर ही खत्म कर देती है। दोस्तों जब इसके बाद अगला स्टेप आता है उसके अंदर होता है जो एक्यूज्ड होता है उसकी स्टेटमेंट लिखवाई जाती है, यानी कि अगर एक बार यहां पर शिकायतकर्ता की तरफ से जितने भी गवाह थे उनकी स्टेटमेंट लिखवा ली गई। अब इसके बाद बचता है आरोपी पक्ष, आरोपी पक्ष को कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है। उसके बाद यहां पर उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उसके तहत उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, और उसके बाद उससे ये सवाल पूछा जाता है कि यहां पर जो जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं क्या उसे यहां पर वो स्वीकार करता है। अगर यहाँ पर वो उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है तो यहीं पर ही इस केस को समाप्त कर दिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि यहाँ पर कोर्ट का समय जो है बचा है उस वजह से आरोपी को कम सजा सुनाई जाए। किंतु अगर यहाँ पर आरोपी जो ज़्यादातर यही होता है उन मामलों को यहाँ पर नकार कर ये चीज़ एक्सेप्ट करता ही नहीं कि उस पर जो आरोप लगाए गए वो सही है, तो यहाँ पर केस को ट्रायल को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है शिकायतकर्ता की तरफ से अगर एक बार यहां पर गवाही हो गई उसके बाद जो यहां पर आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी तरफ से यहां पर जो जो एविडेंस है गवाह है उन्हें कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है।
अब यहां पर एक एक करके जो जो उसकी तरफ से गवाह है उन्हें कोर्ट में बुलाकर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसके अलावा अगर यहां पर जो आरोपी है वो यहां पर किसी सरकारी या फिर संस्थान से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, यानी कि किसी सरकारी व्यक्ति को कोर्ट से आदेश दिलवाकर कोर्ट में बुलवा सकता है कि यहां पर आकर वो इस चीज की गवाही दे जो यहां पर वो व्यक्ति पूछना चाहता है। यानी कि बेसिकली होता क्या है, जिसने यहां पर आरोप किया है यानी कि जो व्यक्ति यहां पर आरोपी माना जा रहा है वो यहां पर कोर्ट से आदेश लेकर उन व्यक्ति को बुला सकता है जो यहां पर सरकारी गवाह होते हैं और उनसे अपने पक्ष में गवाही देने के लिए गुहार कर सकता है। यानी कि वो ये चीज कह सकता है कि यहां पर जो जो चीज सच है वो यहां पर कोर्ट के सामने बोल दे। दोस्तों यहां पर दोनों पक्षों की गवाही होने के बाद बात आती है यहां पर फाइनल आर्ग्यूमेंट यानी कि अंतिम बहस की। एक बार दोनों पक्षों के बीच गवाही हो गई, उसके बाद जो दोनों पक्षों के वकील होते हैं वो यहाँ पर बहस पर छिड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो ये चीज़ साबित करने में लग जाते हैं कि उनका क्लाइंट यहाँ पर सच बोल रहा है। अगर इस बहस के बीच कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं तो यहाँ पर कोर्ट की जो तारीख होती है वो बढ़ती जाती है ताकि यहाँ पर जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं उन चीज़ों को सच साबित किया जा सके। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई खास पॉइंट निकल कर नहीं आता तो कोर्ट जो है यहाँ पर फाइनल आर्ग्यूमेंट की तरफ चला जाता है, जिसके अंदर कोर्ट यहाँ पर यह निर्णय लेता है कि या उस व्यक्ति को यहाँ पर बरी किया जाएगा या फिर उसे सजा सुनाई जाएगी। इसके बाद बात आती है जजमेंट की। यहाँ पर कोर्ट ये चीज़ देखती है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो झूठे हैं तो उसे यहाँ पर उसी वक्त बरी कर दिया जाता है, और अगर यहाँ पर वो आरोप झूठे साबित नहीं होते तो यहाँ पर उसे सजा सुना दी जाती है। सजा के तहत ही उस व्यक्ति को यहाँ पर जो है उम्र कैद, फांसी या फिर कितने साल की सजा या जुर्माना होता है वो सुना दिया जाता है। किंतु दोस्तों यहाँ पर जजमेंट वाले दिन ही उस व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई जाती, सजा देने के लिए एक अलग तारीख तय की जाती है जिसकी एक अलग से कॉपी तैयार होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के दौरान यहाँ पर फांसी की सजा हुई है तो उस स्थिति में यहाँ पर उस फांसी की सजा को कंफर्मेशन दिलवाने के लिए जो ट्रायल कोर्ट होती है वो यहाँ पर हाई कोर्ट से इस चीज की परमिशन लेती है। इस बीच जो यहाँ पर आरोपी पक्ष है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर अपील डाल सकता है कि यहाँ पर उस पर जो आरोप लगे हैं वो यहाँ पर झूठे हैं, और इस तरह से कोर्ट जो है केस जो है हाई कोर्ट पर चला जाता है। इसके बाद अगर हाई कोर्ट भी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के पक्ष में आ जाता है और उसे फांसी की सजा को कन्फर्मेशन दे देता है तो उसके बाद ये फांसी की सजा जो है सुप्रीम कोर्ट पर चली जाती है। उसके बाद जो आरोपी पक्ष होता है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील यहाँ पर खारिज कर देती है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को फांसी की सजा जो है फाइनल कर दी जाती है। किंतु दोस्तों अगर यहाँ पर फांसी की सजा ना होकर उम्र कैद या फिर इससे कोई कम साल की सजा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट होती है उसे यहाँ पर हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद बात आती है स्टेटस ऑफ जजमेंट की, यानी कि इस तारीख के अंदर यहां पर फाइनली जो यहां पर क्रिमिनल होता है उसको सजा सुना दी जाती है, जिसके अंदर यहां पर उसे उम्र कैद, फांसी या फिर कोई और सजा या फिर जुर्माना हुआ है या फिर उसे इस तरह की सजा सुनाई दी है कि यहाँ पर वो पूरा दिन कोर्ट में खड़ा रहे तो वो सजा आज ही की इस तारीख के अंदर सुना दी जाती है और यहाँ पर जो क्रिमिनल केस ट्रायल होती है वो यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों हाँ दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।